तो हम इस फूड कोर्ट में अभी खाना खा लेंगे एंड देन वील गो एंड विजिट स्टैचू ऑफ यूनिटी, सो स्टे ट्यून्ड। यहाँ पे देखिए अरिंदम है, गुड़िया है, गोल्डी है, नेहा इज कवर्ड विद अ कार्डबोर्ड एंड देयर इज द बर्थडे गर्ल। मामा से हाय। यहाँ पे हम थोड़ा सा खाना खा लेंगे, थोड़ी सी रेस्ट कर लेंगे, उसके बाद हम स्टैचू ऑफ यूनिटी में जाएंगे। दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट विजिट टू स्टैचू ऑफ यूनिटी, मैं पहले भी जा चुकी हूँ एंड दिस इज़ माई सेकेंड टाइम। सो चलिए कुछ खा लेते हैं, उसके बाद आई विल टेक यू गाइस। समर्स में ना आए, इट्स एक्सट्रीमली हॉट, वेरी वेरी टायरिंग एंड एग्जॉस्टिंग at the same time. Yahan pe our food has arrived. We are having saves, all the kids. Bas mom kha rahi hai thali, paneer, which is looking amazing and I don't want to eat my save anymore. सो राइट नाउ वी आर इन अ न्यूट्रिशनल पार्क, सो दैट इज राइट नेक्स्ट टू द एकता फूड कोर्ट। वी हैड अ लिटिल टाइम तो अब हम इसमें थोड़ा सा इंजॉय करेंगे। यहाँ पे कुछ इंजॉयमेंट नहीं है एडल्ट के लिए, टू बी ऑनेस्ट दिस इज़ अ फन प्लेस फॉर किड्स। तो हमारे पास टाइम था तो हम अंदर चले गए और बहुत 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 ज़्यादा गर्मी है। एनी वन हु इज़ प्लानिंग टू विजिट स्टैचू ऑफ यूनिटी शुड ऑलवेज प्लान अकॉर्डिंग टू द सीज़न। विंटर्स में प्लान करें, समर्स में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और ज़्यादा आप इंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। सो चलिए देखते हैं ये न्यूट्रिशनल पार्क में क्या क्या है। कीप वॉचिंग एंड हैव फन। ये आपका पहला स्टेशन है, स्टेशन का नाम फलसाग्रह। यहाँ के जो मैस्टर है किसान कुमार, वो बताएंगे कौन से मौसम में कौन सा फल खाना है। सामने जो भी सब्जी तुमको खाती वो मेरे खेतों से आती।
के आता है तो यहाँ सीजन के हिसाब से तीन चार्ट बनाएगा। तो पहला मौसम आएगा समर यानी गर्मी का मौसम, तो गर्मी के मौसम में ये सारे फल सब्जी आपको खाना जरूरी है, फोटो लेना तो फोटो ले सकते। दूसरा मौसम आएगा रेनी यानी बारिश, तो बारिश के मौसम में ये सारे फल सब्जी आते हैं, उसके बाद तीसरा मौसम है विंटर यानी सर्दी का। वो एक वाला है तो वो आपको मिलकर अपने प्रोडक्ट की जानकारी बताएगा। जनार्दन सर अपने बारे में कुछ बताओ। नमस्ते, मेरा नाम है जनार्दन और मैं दूध नगरी में रहता हूँ। मैं एक ग्वाला हूँ और स्कूल से आकर अपने पापा के साथ गाय और भैंसे चराने जाता हूँ। जनार्दन आपकी गाय और भैंस क्या क्या खाती है? हमारी गाय और भैंसों को ताजी हरी घास खाना बहुत पसंद है। नमस्कार जी, अन्नपूर्णा श्री सन अन्नपूर्णा यानी क्या कहते हैं अन्नपूर्णा किसको बोलते हैं? अन्न यानी खाना और पूर्णा यानी पूरा करती है। आपको खाना कौन पूरा करती है, कौन देती है बना के? आप अन्नपूर्णा बोलते हैं। स्टेशन में बताया कि जो माँ खाना बनाती है वही बेस्ट होता है, वही वर्ल्ड का बेस्ट खाना होता है जो माँ बनाती है, नहीं कि बाहर का खाना। पूरा पोषण माँ के खाने से मिलता है वो यहाँ समझाया। आपको देखना है, बाद में गेम कराएंगे, बाद में अलग गेम बनेंगे। पता नहीं Thank you.
Yeah.